हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 3 अक्टूबर 2022 आठवां नवरात्रि व्रत माता महागौरी पूजा का शुभ मुहूर्त मंत्र भोग कन्या पूजन विधि व मुहूर्त मनोकामना पूर्ति मंत्र व उपाय। नवरात्रों की अष्टमी तिथि बहुत ही खास होती है। इस दिन देवी दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी का पूजन हवन और कन्या पूजन किया जाता है। आठवीं नवरात्रि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहते हैं। महागौरी माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति मानी गई है। इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजन के साथ ही हवन कर व्रत का पारण करते हैं। आज हम आपको साल 2022 शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त कन्या पूजन के मुहूर्त विधि माँ के पसंदीदा रंग मंत्र भोग और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। दुर्गा अष्टमी शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में दुर्गा अष्टमी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर शाम 6:47 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर। कन्या पूजन का अमृत मुहूर्त होगा सुबह 6:15 से 7:44 तक। शुभ मुहूर्त होगा सुबह 9:12 से 10:41 तक। चर मुहूर्त होगा दोपहर 1:39 से 3:07 तक। लाभ मुहूर्त होगा दोपहर 3:07 से 4:46 तक और अमृत मुहूर्त होगा शाम 4:36 से शाम 6:05 तक। माता महागौरी स्वरूप। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी की पूजा कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। देवी महागौरी को सौम्य देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका वाहन वृषभ है। साथ ही देवी माँ की चार भुजाएं हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, तीसरा अक्षय मुद्रा और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माँ के इस रूप के पूजन से जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि अष्टमी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आठवें दिन स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प करें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर सबसे पहले गणेश जी, देवी महागौरी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करें। अब धूप दीप जलाकर माँ को रोली, अक्षत, फल, माँ के प्रिय सफेद पुष्प, श्रृंगार का सामान और उनका प्रिय हलवा, पूरी, खीर व नारियल का नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में माँ के मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें, व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अष्टमी नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित कर उनका पूजन करें। सबसे पहले कन्याओं को आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाएं। इसके बाद कन्याओं का टीका कर सभी की आरती करें। अब सभी को चने, हलवा, पूरी का भोग लगाएं और सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को दक्षिणा व उपहार दें। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का व्रत पूरा माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।